और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज़ का। मतलब अगर किसान को प्रॉफिट में आना है तो प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी। सर ये टोटल जो है ये गौ आधारित खेती है। अच्छा, मतलब फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड तक हमको गौ से ही बनाना है। लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं कि उन्हें क्लीन एटमोसफियर चाहिए होता है। अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, तो आपको एक मॉडल फार्म बनाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज एक खास वीडियो लेकर आए हैं हम अपने दर्शकों के लिए। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आप पहुँचे हैं ग्रेटर नोएडा के गाँव खेड़ी भनौता में और हमारे साथ मौजूद हैं सुमित शर्मा जी। पेशे से पहले ये बीटेक इंजीनियर थे, इन्होंने काफ़ी वर्षों तक प्राइवेट नौकरी करी। उसके बाद इनके मन में कुछ सूझा कि देश के लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत करी। जैविक खेती भी एक अलग तरीके से, इसको नेचुरल फार्मिंग बोल लीजिए, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे सुमित जी से कैसे इस पूरे इन्होंने मॉडल की संरचना करी है और कैसे इसको ये आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुमित जी। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी जैसा कि आपने मुझे बताया था, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले आप क्या करते थे और आप फिलहाल में क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित कुमार शर्मा है जी। मैं भनौता गांव का रहने वाला हूं और मैं बाय एजुकेशन एक सिविल इंजीनियर हूं। आफ्टर बीटेक मैंने 7 साल तक नौकरी की, प्राइवेट जॉब यहाँ सेक्टर 108। देन उसके बाद मुझे लगा कि अपना एक स्टार्टअप करना चाहिए, तो मैंने ऑप्शन सर्च किए और मेरा एक एंसेस्ट्रल लैंड था जो मेरे दिमाग में था कि इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ करना है। तो जब मैंने ऑप्शन सर्च किए तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऑप्शंस मेरे सामने आए। तो जब मैंने उनको थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे लगा कि एक प्राकृतिक खेती सबसे अच्छा ऑप्शन है एक स्टार्टअप करने के लिए। तो उसमें हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस अपना उगाते हैं, बाद में उसको खुद ही प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फाइनल जो प्रोड्यूस होता है उसका वो हम एंड कस्टमर तक लेके जाते हैं। अच्छा, बात करें नोएडा एनसीआर की तो लोग, दुनिया का आदमी यहाँ पर नौकरी करने आता है, प्राइवेट नौकरी की खोज में आता है, तरक्की की खोज में आता है कि यहाँ आके तरक्की करे, घर मकान बनाए, दुकान बनाए, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो। लेकिन आपने वहीं नोएडा एनसीआर में रहते हुए खेती करने की क्यों उठानी, आप भी इस लैंड को किसी बड़े रियल एस्टेट व्यापारी को दे सकते थे और इस पर मॉल वगैरह कुछ बना सकते थे ऐसा? सर आजकल हमको सबकी एक ही प्रॉब्लम है, शुद्ध खाना नहीं मिल पाता है जी। वो मेरी भी प्रॉब्लम थी, घर के अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो सबको एक अच्छी डाइट चाहिए ही चाहिए। और साथ में जब से ये कोरोना वगैरह आया है तो हमें इम्यूनिटी की इम्पॉर्टेंस समझ में आ गई है। इम्यूनिटी आपकी अच्छे खाने से बनती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली की सेहत बनाने के साथ साथ मैं और लोगों की भी सेहत बना सकता हूँ। साथ में अपना इसको एक स्टार्टअप के रूप में आइडियाज़ हैं बहुत सारे, उसमें प्रोसेसिंग के हैं, साथ में सब्सक्रिप्शन मॉडल है हमारा, तो वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, हमें भी बेनिफिट करती हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी मतलब स्टार्ट करने के लिए मुझे। अच्छा, तो घर में कैसे लोगों ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया थी अपने जो आसपास के लोग थे जो आपसे जुड़े हुए थे कि एक नई शुरुआत करने जा रहा है, वो भी खेती जिसका कभी अनुभव नहीं रहा आपको? शुरुआत में तो लोगों ने बहुत अपोज किया, आज भी कुछ करते हैं कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई की, इतना पैसा लगाया पढ़ाई के ऊपर, तो इन दी एंड आपको खेती ही करनी थी तो पहले ही कर लेते। बट एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं आती, एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ गेन होता है उसके अंदर। आपको ये पता लगता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, नौकरी की 6-7 साल, फिर पता लगा कि हाँ किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए। इन दी एंड जब मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ा कि भाई मुझे खेती करनी है, तो पहले तो वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए, बट आज की डेट में सब साथ हैं, उनको साथ है। अच्छा लगता है और मतलब जो चीज़ें उन लोगों ने मतलब अपने बचपने में खाते थे वो लोग, तो वो लोग वो चीज़ अब मिल रही है तो अच्छा लगता है सबको। अच्छा, चलिए बात करते हैं थोड़ी खेती बाड़ी की। ये जो पूरा आपका मॉडल है, लगभग कितनी लैंड है और इसमें किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? सर ये करीब 5 एकड़ के आसपास लैंड है टोटल। अच्छा, और इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल में काम करते हैं, मतलब एक फैमिली से हम टाई अप करते हैं पर मंथ बेसिस पे, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं उनसे। उसमें हम लोग उन्हें एक तो सब्जी जाती है सारी, साथ में ग्रेन्स, हमारे पास ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री गेहूँ है, सोना मोती जिसको बोलते हैं, डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, पैगंबरी भी बोलते हैं इसको, साथ में हमारा ऑयल
कोल्ड प्रेस ऑयल निकालने का भी है, खुद की ही सरसों निकालते हैं, उसी को ही प्रोसेस करते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक तो किसान का प्रॉफिट जो हम ट्रेडर्स को देते थे, शॉपकीपर्स को देते थे, वो मैं ऑन फार्म ही कवर अप कर पा रहा हूँ। साथ में जैसे गांव के आसपास के ये लोग हैं, इनको एक अच्छा रोजगार मिल जाता है घर के पास ही, ये लोग भी खुश रहते हैं ऐसी जगह में आके। और साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे पाते हैं। पैसे हम इस मॉडल से आराम से कमा सकते हैं, बट उसमें हमें एक वो जो सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है सर। तो वो चीज मुझे इसमें मिल पाती है, मिल पा रही है। और लगभग किस कितनी तरीके की फसलें कर रहे हैं आप इसके अंदर? सर सारी सीजनल होती है हमारे पास, एवरी क्रॉप मतलब जो होती है सीजन में, क्योंकि हर कस्टमर का अपना अलग टेस्ट होता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी एग्जॉटिक ब्रीड्स लाते हैं, सीड्स लाते हैं, वो हम अपना लगाते हैं, ऑर्गेनिकली टेक केयर करते हैं उनका, फिर प्रोड्यूस जो होता है वो अपना लेके चले जाते हैं अपने घर पे। अच्छा, और इसका अगर जैसे कोई दवाई लगानी हो, अभी कुछ प्लांट्स हो उसका इलाज करना हो, तो किस किस तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो आप करते नहीं है, नहीं, तो जैविक में क्या तरीके का फर्टिलाइजर? सर ये टोटल जो है ये गौ आधारित खेती है। अच्छा, मतलब फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड तक हमको गौ से ही बनाना है। मतलब फर्टिलाइजर में हमारा जीवामृत, घन जीवामृत और संजीवक, ये सब चीजें हम बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स में हम लोग दशपर्णी अर्क होता है एक हमारा, नीम, आग, ये सारी मतलब जंगली जो चीजें होती है जो गाय नहीं खाती है, कुछ चीजें खाती है, और उसको मिक्स करके उसमें गोमूत्र के अंदर हम बॉईल करते हैं 12 hours, तो उसका हम नेक्टर निकाल लेते हैं एक तरीके से, तो वो चीज हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, हमारे दर्शक बड़ा पूछते हैं, कहते हैं कि जैविक खेती करना इतना आसान काम नहीं है, और ये जितनी तरीके की आपने दवाइयां बताई जो जैविक तरीके से हम खेती करते हैं जब खेतों में प्रयोग होती है, तो क्या जमीनी हकीकत इसकी क्या है, मतलब आसान होता है इतना करना या? सर एफर्ट तो हर चीज में है। अच्छा, अगर आप एक फैक्ट्री भी लगाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट है जी। इसके अंदर एफर्ट आप जितना देंगे उतना ही आपको गेन मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, एक संतुष्टि मिलेगी, और साथ में ये है कि हमने अपनी जमीन को बहुत अच्छा किया है, उसकी हेल्थ इंक्रीज की है। साथ में ये चीज आप बाहर सेल भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग किचन गार्डनिंग करते हैं तो उनको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो एक एक लीटर की पैकेजिंग में आप उनको दे सकते हैं, तो वो एक तरीके से आपका एड ऑन प्रोडक्ट है, वो एक तरीके से आपकी आय में जुड़ रहा है। Exactly. अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि ये पूरा आपका जो मॉड्यूल है, अगर एक छोटा किसान करना चाहता है या जैसे कि आपकी तरह कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ऐसे बहुत से लोगों के हमारे पास फोन आते हैं चैनल के माध्यम से, लोग कहते हैं कि अंकित जी हमें कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, लोग मार्केट में है तो सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पर वो उनसे पैसा वसूल करते हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो कागजों में बता देते हैं, एक पूरा मॉड्यूल बना देंगे कि ऐसा हो जाएगी खेती, ऐसे हो जाएगी, लेकिन आप खुद एक प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रमाण है, तो आप ये बताइए कि अगर एक छोटे लेवल पे किसी को स्टार्ट करना हो, एक दो एकड़ से स्टार्ट करना हो, तो वो कैसे कर सकता है, इसकी शुरुआत लगभग कितना पैसा वो अपने साथ में लेके चले? सर अराउंड अगर आपको फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो 8-10 lakh rupees आपका खर्चा आएगा। अच्छा, मतलब सारा फार्म बनाने तक, इसमें आपकी गाय भी आ गई, सबसे पहला आपको गाय ही लेके आनी है फार्म के अंदर, फिर उसके बाद आपके बीज हो गए, आप प्लांटेशन करेंगे, बफर जोन बनाएंगे, फ्रूट ट्रीज आपको लगाने ही लगाने क्योंकि बाउंड्री आपको कवर करनी है पूरी जी। तो वो सारी चीज़ों में फर्स्ट ईयर का आपका खर्चा है, उसके बाद जब ये आपके सारे एसेट्स जो हैं आपके फार्म के वो सब सेटअप हो जाएंगे, इसमें आपका कंपोस्ट पिट भी है और आपका बोरिंग, वाटर बोरिंग जो भी आप पानी का सोर्स है, ड्रिप इरीगेशन भी आ जाती है उसके अंदर ही, तो वो सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद बहुत ईजी हो जाता है ये, क्योंकि 50% लेबर चार्जेस जो होते हैं वो आपके पानी लगाने में, घास को निकालने में, तो जब आप ड्रिप इरिगेशन और इस तरीके के ऑटोमेशन आप फार्म के अंदर लगाते हैं तो वो आपकी पहले साल तो आपको लगता है कि ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, बट वो आने वाले 10 साल तक आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है। तो आपका खुद का अनुभव क्या कहता है कि खेती करना, प्राइवेट नौकरी छोड़कर इस फील्ड में आना, क्या आपके लिए आत्मसंतुष्टि है, सुखद अनुभूति है, क्या है? हाँ सर, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ मैं इस सेक्टर से, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज़ का। मतलब अगर किसान को प्रॉफिट में आना है तो प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी, जब तक आप रॉ प्रोड्यूस मार्केट में बेचते रहेंगे तो अब तक आप किसान ही कहलाएंगे, पर जब आप प्रोसेस प्रोड्यूस लेके जाएंगे मार्केट में तब आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाए जा सकते हैं, और अपने जो आपने उत्पादन किया उसकी सही कीमत आप मार्केट से ले सकते हैं। मतलब आप मैं गार्लिक की ही बात कर लेता हूँ, अगर आप गार्लिक का मार्केट रेट 150 तक
रुपए किलो तक चला जाता है। जब आप इसका पेस्ट बना के मार्केट में देते तो उसकी प्रोड्यूस की कीमत बहुत ज्यादा चली जाती है। बना लीजिए, पिकल बना लीजिए, बहुत कुछ है सर। ऐसे ही गाय का है, हम रॉ मिल्क ना बेच करके घी और पनीर खोया इस तरीके के प्रोड्यूस बेचना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाती है, साथ में एक शेल्फ लाइफ जो होती है प्रोड्यूस की वो बढ़ जाती है। तो आप रॉ प्रोड्यूस से बढ़ आगे चल के आप एक प्रोसेस जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जोर देते हैं कि प्रोसेस्ड करके आप बेचिए। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक युवा हैं, आप इस फील्ड में आए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस एग्री टूरिज्म में आएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएँ, नेचुरल फार्मिंग करें, प्राइवेट नौकरी के साथ साथ वो अपने खेतों की ओर भी रुख करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, आने वाला टाइम इसी चीज़ का ही है। लोगों को पता लग चुका है कि इम्यूनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है आदमी के लिए। लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं कि उन्हें क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, तो आपको एक मॉडल फार्म बनाना पड़ेगा। उस चीज़ के ऊपर आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब प्रोसेस प्रोडक्ट आपने सही बोला था, एग्रो टूरिज्म, तो उसमें यह है कि आपका देसी डाइट ही रखिए, ज्यादा आपको ऐसे शेफ बिठाने की जरूरत नहीं है। सीजनल है, मक्की की रोटी, एग्जैक्टली सर, लोग उस चीज को ढूंढते हुए मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये चीज प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इसमें आपका एग्रो टूरिज्म भी कवर अप हो जाता है, नेचुरल फार्मिंग भी कवर अप हो जाती है, डेयरी फार्मिंग भी आपकी कवर अप हो जाती है, साथ में आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती है। तो इस सेक्टर में सर बहुत सारी स्कोप भी है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इसका। और साथ में जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, चाहे आपको 5-6 साल हो जाएं, आप एक अपना अच्छा सा एक प्रोसेस प्रोड्यूस निकालिए, उसको एक्सपोर्ट करिए। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ये जैसे प्राकृतिक विकास योजना कृषि और ये आपकी अपीडा एक संस्था है, तो ये आपको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। आप 3 साल तक इनके साथ जुड़े रहिए और 4th साल में आपको ये आपको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट दे देंगे। अच्छा, तो आप प्रोड्यूस अपना एक्सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बताई सुमित जी ने, बताया कि कैसे इस मॉड्यूल पे पूरा काम कर रहे हैं। और आप भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो काफ़ी सारा स्कोप है, फ्यूचर है इसमें फील्ड में। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, पेशेंस रखना होगा, लेकिन आगे जाके इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी सुमित जी से जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल आपको दे देंगे, आप इनका फार्म विजिट कर सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी है जिसको आप कवर कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।